हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू ऋत्विक सिंह ब्लॉग्स। आज मैं हूं पटना के सुप्रसिद्ध जू में, रोज़ गार्डन में। हालांकि रोजों की संख्या भी उतनी है नहीं, फिर भी आप देख सकते हैं। तो जितने भी लोग चैनल में नए हैं, मुझे सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। मुझे बताएं कि भैया आपको क्या क्या जानना है और मेरे बारे में और जगह के बारे में, और आप कहाँ चाहते हैं कि मैं आपके लिए ब्लॉग बनाऊं जिससे कि आपको अच्छा फील हो और आपको देखने में मज़ा आए, और ब्लॉग की टाइमिंग क्या होनी चाहिए, ये बताना फ्रेंड्स, ये बताना मत भूलना। तो चलो दोस्त, आज शुरू करते हैं अपना दूसरा ब्लॉग जो कि पटना जू में है। और मॉर्निंग के अभी 8:15 हो चुके हैं और मैं यहाँ पे ऑलरेडी 6:15 पे आया था। अपनी सारी एक्सरसाइज, डेली रूटीन सब कुछ कर लिया हूँ, दौड़ लिया हूँ एक्सरसाइजेज में, थोड़ा बहुत योगा भी कर लिया हूँ और मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें बताने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं ना अपना ब्लॉग चैनल, है? मंदिर आ गए हैं और ये देखिए सामने से लोग जॉगिंग कर रहे हैं, टहल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, मॉर्निंग की खुशनुमा वेदर को एंजॉय कर रहे हैं, सुबह सुबह की ठंडी हवाएं। वाओ फ्रेंड्स, यू कैन नॉट इमेजिन कितना अच्छा लग रहा है। सो अब हम देखते हैं कि आगे क्या ऐसी चीज़ें हैं जो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जू की हरियाली किसी भी आदमी की आत्मा को भाव विभोर कर सकती है। देखिए, ये केजेज है जानवरों को, ये निशाचर गृह, ये पंछी, ये बत्तख, ये सारस सब यहीं पे है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर मेरी माने तो जानवरों को कभी कैद नहीं करना चाहिए दोस्तों। ये प्रकृति के लिए बने हैं, प्रकृति के साथ इनका रिश्ता होता है। हम इन्हें कैद, अगर आप मानो कि हम लोगों को कैद कर दिया जाए और इस तरह से रखा जाए, छोटे बड़े काले गोरे लोगों को, तो कैसा लगेगा? तो फ्रेंड, मैं इसके खिलाफ हूँ। बाकी चलो, अब जब हैं तो ठीक है, बट यहाँ पे अगर आप आते हैं तो आपको बड़ा मज़ा आता है। यहाँ का सौंदर्य, नेचुरल जो प्राकृतिक सुंदरता होती है, ऑक्सीजन जो आपको मिलता है, जो आपकी सांसों के लिए, आपके बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, ये एक अच्छा फील कराता है आपको। ये देखो छोटी सी टॉय ट्रेन जो आपको पूरे जू की सैर करवाएगी, जिसमें बड़े बूढ़े बच्चे सारे फैमिली के साथ बैठ सकते हैं और इस जू के नज़ारों का लुत्फ ले सकते हैं। अच्छा, एक और ट्रेन भी है जो कि सही में ट्रेन की तरह चलती है, जिसके प्लेटफॉर्म भी है, बाकायदा टिकट से उसके आप उसमें भी मज़ा ले सकते हैं। एक ट्रेन रखी हुई है मॉडल के रूप में, जो कि देखने को लगता है कि ये खड़ी कर दी गई है, पुरानी जो ट्रेन नई वाली ट्रेन से है। चारों तरफ बहुत अच्छी। में एक नया जानवर आया है, बबूल, जो कि श्रीलंका और बर्मा के जंगलों में पाया जाता है, तो लोग इसको भी देख सकेंगे, मजा ले सकेंगे, तो आप भी देखो फ्रेंड्स। चारों तरफ हरियाली है, हरियाली हरियाली वाले रास्ते, बहुत ही स्वर्णिम सुखद सा आनंद जो कि आपको काफ़ी मज़ा देगा जब आप इस जू में भ्रमण करने आएंगे, जब इस जू में वॉक करने आएंगे। और ये देखो हिरन, देखो हिरनों का केज। और आगे चलते हैं, ये देखो ये छोटा सा नदी जिसमें आप बोट कर सकते हो, छोटा सा तालाब कर सकते हो, इसमें आप बोटिंग कर सकते हो। एक मंदिर भी है फ्रेंड, जिसमें आप हाथ जोड़ सकते हो भगवान को। और ये हाथी गेट पे। फ्रेंड्स, मैं इस ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे ब्लॉग को देखें, मज़ा लें, इन्जॉय करें और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें कि आपको किस तरह के ब्लॉग देखने को अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा लगा एक बार फिर से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं।